यूं तो पूरा इंटरनेट काफी सारी वीडियोस से भरा पड़ा है, मगर हाल ही में वायरल होने वाली सबसे हैरानीजनक वीडियो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। तो अगले 10 मिनट्स तक सब काम साइड में रख दो, आइए शॉकिंग मोमेंट्स पार्ट 19 को एक साथ एंजॉय करते हैं। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना, ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तस्करी एक ऐसा काम जिसमें तस्कर हमेशा गजब तरीके से तस्करी करते हैं, मगर इस अगली तस्करी को देखकर तो पूरा पुलिस स्टाफ ही हैरान हो गया। जहां पुलिस ने एक बुलेरो कार को पकड़ा और फिर जब उसके अच्छे से छानबीन की गई तो गाड़ी की सीट के नीचे एक अजीब तरह का बॉक्स बना हुआ दिखाई दिया, और जब उसे अच्छे से देखा गया तो उसमें से 10 पिस्टल बरामद हुई। बता दे, ये तस्कर पहले भी ऐसे सैकड़ों बार तस्करी कर चुके हैं, लेकिन आज ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इस अगली वीडियो में दो बाइक सवार दिन दहाड़े अचानक से अपनी बाइक को एक स्कूटी सवार महिला के आगे रोक लेते हैं। महिला को लगता है शायद ये लोग गलत गली में आ गए और बस बाइक को घुमा रहे हैं, लेकिन इतनी देर में बाइक के पीछे बैठा बंदा जाकर महिला के गले की चैन खींचता है। पहली बार तो वो असफल रहा, लेकिन दूसरी बार वो कामयाबी से चैन खींचकर भाग जाता है। मतलब भैया, इन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये लोग किसी को भी रुकवा कर उसे लूट लेते हैं। हम सब कहते हैं कि भगवान से डरना चाहिए, वो सब देख रहा है, लेकिन इस अगले चोर को देख कर लगता है इसे भगवान का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि भाई साहब भगवान के घर में तो घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम ही दे डालते हैं, क्योंकि भाई साहब भगवान के घर में ही घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और एक सबल की मदद से लगभग 3 मिनट कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद जनाब के हाथ कामयाबी लगती है और भाई दान पेटी यहाँ से निकल कर भाग जाता है। लेकिन खैर जनाब, इसे तो छोड़िए, ये अगली वीडियो क्लिप देख कर पूरा देश हैरत में आ गया होगा। देखा गया कि 11 साल का बच्चा अपने एक साथी के साथ आराम से बेंच पर बैठा हुआ है। इनको देखकर लग ही नहीं सकता कि ये बच्चा यहाँ से इतना बड़ा हाथ मार कर चला जाएगा, मगर जब कैशियर काउंटर से जरा साइड में किसी दूसरे काम से गया तो इन 20 सेकंड में छोटा बच्चा 20 लाख रुपए लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद उसका एक बड़ा साथी भी कुछ समय बाद बाहर चला गया। मतलब ये इन दोनों की मिले भगत थी। ये भाई साहब इस ट्रेन के दरवाजे को बहुत बार खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाब के हाथ नाकामयाबी ही आती है। लेकिन आखिर ये माजरा क्या है, आपको ये भी बताते हैं। रुको जरा, सबर करो। दरअसल इन भाई साहब को सेल्फी लेने का इतना क्रेज हुआ कि ये जनाब स्टेशन से जा रही ट्रेन में चढ़ तो गए, मगर जब सेल्फी लेकर बाहर जाने लगे तो जनाब वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑटोमेटिक दरवाजे खुद ब खुद ही बंद हो गए, जिसके चलते इन भाई साहब को एक सेल्फी के चक्कर में अगला स्टेशन आने तक अपने 6 घंटे यहीं बर्बाद करने पड़े। क्या बात है सर। ये अगला वीडियो इंटरनेट पर बीते दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई एक मोहतरमा रात को गली में खड़े हुए सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वो अचानक ही वीडियो में आती है और अचानक ही लाइव कैमरे के सामने से गायब हो जाती है, जिससे लोगों में काफी दहशत फैल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आपको इसकी असलियत बता देते हैं कि ये वीडियो एक फेक वीडियो है, जिसे एडिट करके लोगों में डर फैलाने के लिए व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया। और आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि इस वीडियो में ट्रांजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी आदमी की शक्ल के ऊपर लिखा नहीं होता कि वो अंदर से कैसा है। कुछ इसी प्रकार से ये औरतें भी बाहर से देखने पर नहीं लग रही थी कि ये चोरी करेंगी, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा हाथ मारा कि दुकानदार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर काला सूट पहनी ये मोहतरमा सामने टेबल पर रखे हुए एक के ऊपर एक बॉक्स में से ऊपर वाला बॉक्स उठाती है, जिसमें से 10 जोड़ी बालियां थी, जिनकी कीमत 2.5 लाख के करीब पड़ती है। लेकिन गजब की बात ये रही, चोरी करते वक्त दुकान का एक कर्मचारी भी इनके पास से गुजरता है, लेकिन उसका जरा भी ध्यान उस बॉक्स के ऊपर नहीं जाता। अब इसे इन चोरों की किस्मत कहिए या फिर हाथ की सफाई। राजस्थान के अलवर से सामने आए इस वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर सनी पाजी की तरह यहाँ पर हैंडपंप उखाड़ रहे हैं, और वो लोग अपने इस काम में सफल भी होते हैं। लेकिन ऐसा करने के पीछे की वजह के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत फनी है, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए ठेकेदार ने जल्दी जल्दी में हैंडपंप लगाकर अपना काम तो निपटा दिया, लेकिन जनाब इस बीच जमीन के नीचे बोरिंग करना ही भूल गए, जिसके बाद लोग इस हैंडपंप को जब यूज करने लगे तो ना तो इसमें से पानी आ रहा था और ऊपर से कमजोर हैंडपंप बहुत जोर जोर से हिलने भी लगा,
और अब शायद इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस ठेकेदार के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आप मिलिए इन भाई साहब से, जो कि बार बार अपना हाथ टाइगर के पिंजरे के अंदर डालकर खुद की मर्दानगी को साबित कर रहे थे, लेकिन फिर इसी बीच एक बार हाथ ऐसा फंसा कि जनाब की उसे बाहर निकालते निकालते पैंट गीली हो गई। लेकिन हमें समझ नहीं आता लोग ऐसा करते क्यों है। बच गया साला, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। अच्छा, अब यहाँ पर इटली में बस स्टैंड पर काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ी एक पंजाबी लड़की की एक इटालियन लड़की से थोड़ी बहस हो जाती है, पर ये बहस कब एक भयंकर लड़ाई का मोड ले लेती है पता ही नहीं चलता। मगर जो हमने अपनी नंगी आंखों से देखा कि पंजाबी लड़की ने गोरी मैम को जमीन की धूल चटा दी, इस अगली वीडियो फुटेज को देखकर आपकी जुबान से भी एक ही बात निकलेगी, वाह यार इतना स्मूथ। मतलब दोस्तों इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ा कि कुछ पापा की परियां अपनी स्कूटी यहां खड़ी करके खुद साइड में खड़ी हुई है, पर इसी बीच ये चोर भाई साहब अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता ये जनाब स्कूटी के बीच में से फोन निकाल कर निकल भी जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यहाँ पर रियल लाइफ सिंघम सर ने एक गाड़ी रोकी जिसमें बैठे दो लड़कों ने अपने पापा जो कि उसी थाने के सुपरिटेंडेंट थे उनका आईडी कार्ड सिंघम सर को दिखाया। मगर साथियों रूल्स आर रूल्स जो कि सब पर अप्लाई होते हैं, और फिर इसके बाद सिंघम सर ने लड़कों से कहा लाइए आप सीधा अपने पिता से ही बात करवाइए, और फिर इन दोनों में जो बातें उसे सुनकर एक ही समय पर आपको हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी, यकीन नहीं है तो खुद देख लो। पीछे तो आ रहे हैं, गाड़ी में तो नहीं है। हाँ फादर साहब, हो हाँ फादर साहब, यहाँ हो नहीं हो, कहाँ बैठे फादर साहब? सर मैं आशीष हेड कॉन्स्टेबल सिंघम बोल रहा हूँ। सर आप अपना आई कार्ड ऐसे यूज करने के लिए बच्चों को देते हो क्या? आपको पता नहीं जिस जेल के आप सुपरिटेंडेंट हो उसके कैदी भी हो सकते हो। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। घरवाली पैसे खर्च नहीं बल्कि उन्हें उड़ाती है, और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वीडियो, जहाँ वीडियो फिल्मा रहे पतिदेव ने अपने पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट दिया और इस बॉक्स में गुब्बारों के साथ काफी सारे पैसे लटकाने के अलावा बॉक्स में नए वाला आईफोन भी रखा हुआ था, लेकिन ये मोहतरमा खुशी खुशी में गुब्बारों को पकड़ना ही भूल गए और बस आईफोन उठाने की जल्दी की। फिर लोग कहते हैं कि ये मीम इतना ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है। अरे भैया जी, मनाली, ऋषिकेश, मसूरी, मुन्नार, भारत की इन जगहों पर जाकर अगर जिप लाइन का मजा नहीं उठाया तो फिर क्या किया। लेकिन कुछ धुरंधर ऐसे भी होते हैं जो हर एक चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, और उन्हीं में शामिल है ये लोग। पता नहीं ये लोग हैं और कौन कहां से आ गए हैं, लेकिन भाई साहब एक बात तो है, डर नाम की चीज क्या होती है इन्हें इसके बारे में नहीं मालूम। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के पास दिमाग तो बहुत होता है, लेकिन वो गलत जगह पर उसे इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इन लोगों को देख लीजिए, भाई साहब इनके पास दिमाग तो बहुत है पर वो इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए कर रहा है। ये भाई साहब एक बटन दबाने से ही किसी भी चीज का वजन 400 से 500 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं और इतना ही घटा सकते हैं, मतलब सब कुछ इन्हीं के हाथ में। अब ऐसे में इतनी महंगाई में भी आम बंदा कहां जाए? इन पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अब साथियों एक नजर इन मोहतरमा की इस हरकत पर डाल लीजिए, जो कि मुंबई लोकल ट्रेन में रोज सफर करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि मैडम की जरा सी देरी की वजह से इन्हें सीट नहीं मिल पाई। मगर अब ये सबको लेट करवा रही है, इसलिए भाई साहब थोड़ी देर बहसबाजी करने के बाद मोहतरमा को ड्राइवर की सीट पर बिठाया गया। मतलब गजब है यार, अगर यहाँ लड़का होता तो उसे धक्का मार कर गिरा दिए गए होते, लेकिन लड़की थी तो सीधा ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया। ये भेदभाव कब खत्म होगा गाइस? अब साथियों दिल्ली मेट्रो से तो कुछ महीने पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक भाई साहब को जोर से सूसू लगी हुई थी, तो इसी बीच जनाब से बाथरूम तक नहीं जाया गया और वहीं पर हो गए शुरू। खैर आपके इन पर क्या विचार है? तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस सीरीज को जारी रखना चाहते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए फाइनेंस लिस्ट।